गुड आफ्टरनून क्लास। ये हमारी हिंदी क्लास है, आज मंगलवार है। ठीक है, थोड़ा लेट हो गया है वीडियो को, तो हम इसमें आज बंदर और गिलहरी पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपकी बुक है रिम झिम, उसका पार्ट 9 है ये। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी, इतनी लंबी थी कि जमीन पर लटक रही थी। एक गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। अचानक उसे पूंछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया, थोड़ी देर पहले तो नहीं था। वह पूंछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। उसने नीचे देखा। वह हंसकर बोला, बहन गिलहरी, ये क्या कर रही हो, मुझे गुदगुदी हो रही है। गिलहरी चौंकी, बंदर भैया ये तुम हो, मैं तो तुम्हारी पूंछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसते हुए पेड़ की डाली पर चढ़ गई। क्या समझ आया इसमें, कि एक जो बंदर था वो पेड़ पर बैठा था, उसकी पूंछ इतनी लंबी थी कि नीचे लटक रही थी, तो ये गिलहरी घूमते घूमते आई और इसकी पूंछ को उसने सोचा कि अभी तो ये नहीं था झूला, अभी कहाँ से आ गया, इस पे झूलने लगी। इसे झूलने से इसको गुदगुदी होने लगी। इसने कहा, गिलहरी ये मेरी पूंछ है, मुझे गुदगुदी हो रही है। और वो छट से उसने ऊपर देखा, अरे बंदर भैया आप हो, ठीक है मैंने सोचा ये कोई रस्सी है, उसने ऐसे देखा ना। और वो फिर हंसी और हंसते हंसते ऊपर चढ़ गई। देखो पेज नंबर ये भी देख लेते हैं 70। इसमें इसने गप्पे लिखा हुआ है, गप्पे, गप्पे मतलब हंसी मजाक। बंदर की पूंछ इतनी लंबी थी जैसे सड़क। इसमें हंसी आई, हा 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 हा। दूसरी है, चूहे की पूंछ इतनी घनी थी जैसे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे बाल या कोई जंगल। भालू इतना मोटा था जैसे, मोटा क्या होता है, हाथी, तो ऐसे लिखते हैं हाथी, इतना मोटा था जैसे हाथी। ऊँट इतना ऊंचा था जैसे कोई मीनार, है ना, मीनार लिख सकते हैं। चूहिया इतनी छोटी थी जैसे चींटी छोटी होती ना। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी, ना गोल गोल होती ना टेढ़ी मेढ़ी, तो यहाँ पे लिखेंगे कोयल की जो आवाज़ थी इतनी मीठी थी जैसे जैसे शहद। ठीक है, आप इसको लिखना। आप देखो इन्होंने फन किया हुआ है, गुदगुदी किया हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। आप अपने दोस्त को करो, पेट पर करो, पीठ पर करो, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, क्या हुआ, है ना, वो हंसा होगा, है ना। अच्छा ये क्या है, गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला, तुम इन चीज़ों से क्या क्या करोगे, क्या क्या कर सकते हो, रुमाल से क्या कर सकते हो, आप तकिया बनाते होंगे, कोई गुड्डा बनाते होंगे, है ना, पेंसिल से क्या बना सकते हैं, दो पेंसिल जोड़ के हम डबल राइटिंग कर सकते हैं। फुटा मीन्स स्केल से हम क्या क्या कर सकते हैं, गेम करते हो ना आप लोग, कुछ और भी गेम करते हो, जैसे इसको रबर बैंड से बांध के, है ना। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर मैं भी देती हूँ, आप इतनी देर इसको एंजॉय करो, बार बार सुनना इसको।